अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ लर्न इंग्लिश विद सादी। आज की वीडियो में हम एमए इंग्लिश का जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे तीन यूनिवर्सिटीज़ का। जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा ताकि बीच में से कोई भी पॉइंट स्किप ना हो, और दूसरा मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक भी करें। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह पार्ट टू का जो इंग्लिश का सिलेबस है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, गुजरात और सरगोधा का, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन सिलेबस डिस्कस करने से पहले हम कोर्सेज पे एक नज़र डालेंगे, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी गुजरात का जो कोर्सेज हैं वो सरगोधा और पंजाब से थोड़े डिफरेंट हैं। जैसे पहले मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा, पंजाब, इनमें पाँच पेपर्स पार्ट टू में होते हैं। उन पाँचों में लास्ट पेपर फाइव जो है उसमें ऑप्शंस होगी, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी के केस में हमें ऑप्शनल पेपर्स नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने थोड़ा डिफरेंट साइड पे लिखा यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का सिलेबस। जो कोर्सेज हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के, वो पोएट्री, ड्रामा, फिर है वर्ल्ड लिटरेचर, फिर है लिटरेरी क्रिटिसिज्म और जनरल लिंग्विस्टिक्स। ये हमारे पाँच पेपर्स हैं, हमने ये पाँच ही अटेम्प्ट करने होंगे। इनमें हमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। पेपर फाइव में जो जनरल लिंग्विस्टिक्स है, हम इसकी जगह पे कोई और पेपर अपना सिलेक्ट नहीं कर सकते, हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं गुजरात यूनिवर्सिटी के केस में। जबकि अगर हम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा या पंजाब की बात करें तो उसमें पोएट्री, ड्रामा, नावल, फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये हमारे चार पेपर पार्ट वन की ही तरह के। फिर पेपर फाइव में आके हमारे पास चार पेपर्स में से हमने कोई एक सिलेक्ट करना है, हमारे पास चार पेपर्स की ऑप्शन मौजूद है। इन चार पेपर्स में है लिंग्विस्टिक्स, एसे, शॉर्ट स्टोरीज और लिटरेचर इन इंग्लिश अराउंड द ग्लोब। अब इन चारों में से हम कोई एक पेपर, पेपर फाइव के तौर पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और पंजाब के केस में, जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी के केस में हमारे पास इस तरह की कोई ऑप्शन मौजूद नहीं थी। हमारे पास सिर्फ पाँच ही सब्जेक्ट थे जो कि हमने पाँच ही सिलेक्ट करने थे। पार्ट टू के पोएट्री के कोर्स में हम सबसे पहले पोएट्स डिस्कस कर लेते हैं। विलियम ब्लेक सबसे पहला पोएट है जिसकी पोएम्स तीनों यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में शामिल हैं, लेकिन पोएम्स का जो टाइटल है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएम्स होंगी। लेकिन ये पोएम्स हमारी सारी विलियम ब्लेक की सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस ही में से, उस एक मतबूए में से उन्होंने बुक में से इंक्लूड की हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के जो इस पोएट की पोएम्स हैं वह इन्फेंट जॉय, द सिक रोज, द लैम, द चिमनी स्वीपर, ये चार पोएम्स हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में विलियम ब्लेक की। फिर आता है पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी में आगरीज ऑफ इनोसेंस, द सिक रोज, लंदन, अ पॉइजन ट्री, अ डिवाइन इमेज फ्रॉम मिल्टन एंड डिड दोज फीट, होली थर्सडे वन, द टाइगर, अ सनफ्लावर, होली थर्सडे टू, ये दस पोएम्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में विलियम ब्लेक की इंक्लूडेड। फिर है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा की, द डिवाइन इमेज, अ पॉइजन ट्री, होली थर्सडे टू, द चिमनी स्वीपर्स, द लिटिल ब्लैक बॉय। अब ये पांच पोएम्स हैं विलियम ब्लेक की जो कि सरगोधा यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल हैं। तो ये देख लें आप, पोएट हमारा सेम ही है लेकिन पोएम्स डिफरेंट हैं। चंद एक पोएम्स डिफरेंट होंगी तीनों यूनिवर्सिटीज के कोर्स में, लेकिन पोएट एक ही है और इसकी जो बुक है वो सेम ही है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पोएट है विलियम वर्ड्सवर्थ। अब ये भी, इसकी जो पोएम्स हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस में शामिल हैं वो हैं टिंटन एबे, ओल्ड किम्बरलैंड बैगर, थॉर्न, रूथ, ये चार पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की गुजरात यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। फिर है सरगोधा यूनिवर्सिटी। सरगोधा यूनिवर्सिटी में टिंटन एबे रिविजिटेड, ओड ऑन इमोर्टैलिटी, द प्रिल्यूड बुक वन, लाइन्स 1 to 100, अब ये इसकी पोएम्स हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की जो सरगोधा यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल हैं। और फिर है कॉलरिज। कॉलरिज बड़ा फेमस पोएट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के सिलेबस में, इसकी पोएम्स हैं द एंशंट मरीनर, डिजेक्शन एंड ओड और क्रिस्टेबल। अब कॉलरिज की पंजाब यूनिवर्सिटी के जो कोर्स में पोएम्स शामिल हैं वो हैं कुबला खान, द एंशंट मरीनर, डिजेक्शन एंड ओड। अब ये कॉलरिज की सरगोधा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बुक्स कोई पोएम शामिल नहीं है। नेक्स्ट है कीट्स। कीट्स की गुजरात यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस में पोएम शामिल हुए हैं वो हैं
film for me a brimming bowl. On death, ode to psyche, three sonnets on women. ये कीट्स की पोएम से गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल थी. फिर है पंजाब यूनिवर्सिटी. पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में जो कीट्स की पोएम्स शामिल हैं वो हैं हाइपेरियन बुक वन, ओड टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न. इसी तरह अगर जॉन कीट्स की हम सरगोधा यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल पोएम्स की बात करें तो ओड टू ऑटम, ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रीशियन अर्न और एक और पोएम होगी एंडीमियन लाइन्स 1 से 50 तक इस पोएम की, वो सरगोधा यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल हैं जॉन कीट्स की. नेक्स्ट है पी बी शैले. शैले की जो पोएम्स हैं वो सिर्फ सरगोधा यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल होंगी. वो हैं द क्लाउड, ओड टू द वेस्ट विंड, टू अ स्काई लार्क, हिम्न टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी. ये चार पोएम्स हैं शैले की, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के कोर्स में सिर्फ शामिल हैं. बाकी दोनों यूनिवर्सिटी के कोर्स में शैले की कोई पोएम शामिल नहीं है. अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पोएट्री ही का सेक्शन टू, जिसमें चंद मजीद पोएट्स होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, उनकी डिफरेंट पोएम्स होंगी इंक्लूडेड. तो वो सेक्शन वन हमने पहले डिस्कस कर लिया. अब सेक्शन टू की बात करें पोएट्री की, तो उसमें फिलिप लार्किन की जो पोएम्स हैं तीनों यूनिवर्सिटीज के कोर्स में शामिल हैं. लेकिन कौन कौन सी पोएम्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. गुजरात यूनिवर्सिटी में हाई विंडोज, द ओल्ड फूल्स, गोइंग गोइंग, टोड्स, मेडन नेम. ये हैं फिलिप लार्किन की पांच पोएम्स जो गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल हैं. अब नेक्स्ट बात करें पंजाब और सरगोधा यूनिवर्सिटी की, तो इनकी फिलिप लार्किन की सेम ही पोएम्स हैं दोनों यूनिवर्सिटीज में. चर्च गोइंग, मिस्टर ब्लीने और 1914 और फिर एम्बुलेंसेज, ये चार पोएम्स हैं पंजाब और सरगोधा यूनिवर्सिटीज में फिलिप लार्किन की कॉमन. अब सेक्शन टू में जो सेकंड पोएट है वो है टी एस एलियट, जिसकी गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में सिर्फ एक ही पोएम शामिल है, द वेस्ट लैंड. और सरगोधा यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल है पोएम्स द वेस्ट लैंड, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक. ये दो पोएम्स हैं सरगोधा यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल हैं टी एस एलियट की. नेक्स्ट पोएट है शेमस हीनी, इसके गुजरात यूनिवर्सिटी के जो कोर्स में पोएम्स शामिल हैं वो हैं डिगिंग, अ सोफा इन द 40s, डेथ ऑफ अ नेचुरलिस्ट. ये तीन पोएम्स हैं. पंजाब के कोर्स में पर्सनल हेलीकॉन, टॉलेंट मैन, कॉन्स्टेबल कॉल्स, टूम रोड, कास्टिंग एंड गैदरिंग, ये पोएम्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल हैं शेमस हीनी की. नेक्स्ट पोएट है टेड ह्यूज, इसकी पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में जो पोएम्स शामिल हुए हैं थॉट फॉक्स, चांसेस, फुल मून एंड फ्रेडा दैट मॉर्निंग. ये चार पोएम्स हैं टेड ह्यूज की जो पंजाब के कोर्स में शामिल हैं. इसी तरह गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में जो पोएम्स इसकी शामिल हैं वो हैं थॉट फॉक्स, बर्नर्ड चार्ज, हॉक इन द रेन, द क्रो अलाइट्स. अब नेक्स्ट पोएट है डब्ल्यू बी यीट्स, इसकी सरगोधा यूनिवर्सिटी के कोर्स में सिर्फ पोएम्स शामिल हैं वो हैं वाइल्ड स्वान्स एट खुले, व्हेन यू आर ओल्ड, नो सेकंड ट्रॉय, द सेकंड कमिंग. ये चार पोएम्स हैं सरगोधा यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल हैं डब्ल्यू बी यीट्स की. नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं पेपर टू जो कि ड्रामा. सबसे पहला जो प्ले है वो है द चेरी ऑर्चर्ड एंटन शिकोव का, वो तीनों यूनिवर्सिटी के कोर्स में कॉमनली इंक्लूडेड है. नेक्स्ट है वेटिंग फॉर गोडो स्मोएल बेकेट का, ये भी तीनों यूनिवर्सिटीज के कोर्स में शामिल है. अब नेक्स्ट है हेडा गैबलर, हेनरिक इब्सन का जो प्ले है और ये पंजाब और सरगोधा यूनिवर्सिटी के कोर्सेज में शामिल है, गुजरात में नहीं है. नेक्स्ट है द सी, ये एडवर्ड बॉन्ड का प्ले है और ये भी पंजाब और सरगोधा यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज में शामिल है. नेक्स्ट है मैन एंड सुपरमैन, जी बी शॉ का ये प्ले है और ये सिर्फ गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल है. द गुड पर्सन ऑफ जिशवान, ये ब्रेट का प्ले है, गुजरात के कोर्स में शामिल है. द हाउस ऑफ बर्नाडा एल्बा, ये फेडरिको गार्शिया लॉर्का, इसका ये प्ले है, गुजरात के कोर्स में शामिल. अब नेक्स्ट है गैलीलियो गैलीलाई, ये भी ब्रेट का प्ले, पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल है. और आर्म्स एंड द मैन, ये भी जी बी शॉ का प्ले है और ये सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के कोर्स में शामिल है. आप इसके सामने हर एक प्ले के सामने देख सकते हैं किस किस यूनिवर्सिटी के कोर्स में ये शामिल है, मैंने मेंशन किया हुआ है. अब नेक्स्ट अगर हम पेपर थ्री की बात करें, तो पेपर थ्री पता है आपको, आपको मैंने बता दिया है कि पंजाब और सरगोधा यूनिवर्सिटी में नॉवल्स शामिल हैं, जबकि गुजरात यूनिवर्सिटी में उन्होंने वर्ल्ड लिटरेचर का पेपर ऐड किया है नॉवल का जगह पे.
तो अब इसलिए इनको अलग अलग डिस्कस करना पड़ेगा। सबसे पहले है पंजाब यूनिवर्सिटी के जो नॉवल्स हैं वो है हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉन्रेड का, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन जॉयस का ये नॉवल है, फिर है टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ का, थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ एचिबी का ये नॉवल है, और लास्ट में है ट्वाइलाइट इन दिल्ली ये अहमद अली का जो नॉवल है। ये नॉवल्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स के। नेक्स्ट है सरगोधा यूनिवर्सिटी, इसमें भी हमने नॉवल्स ही पेपर सिलेक्ट करना है, और नॉवल के पेपर में जो पहला नॉवल होगा सन्स एंड लवर्स डी एच लॉरेंस का नॉवल है, लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज ये डब्ल्यू गोल्डिंग का है, हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनराड का, टू द लाइट हाउस वर्जीनिया वुल्फ का, और थिंग्स फॉल अपार्ट चिनुआ अचिबी का। तो ये पांच नॉवल्स हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा के कोर्स में शामिल। और नेक्स्ट हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के कोर्स की, तो इसमें है नॉवल की जगह पे जो पेपर है हमारा थ्री वो होगा वर्ल्ड लिटरेचर का। उसमें सबसे पहले जो पीस ऑफ राइटिंग है वो है द मैड मैन खलील जिब्रान का, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड फ्योडोर डोस्टोयेवस्की, फिर है नो एग्जिट जीन पॉल सार्ट्रे का, द स्ट्रेंजर एल्बर्ट कैमस का, द रिलक्टेंट फंडामेंटलिस्ट यह है मोहसिन हामिद का, फिर है लास्ट में द जोक ये राइटिंग है मिलन कुंडेरा की। तो ये थे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में पेपर थ्री, जबकि अभी स्टिल आगे नेक्स्ट पोएम्स इंक्लूडेड हैं वर्ल्ड लिटरेचर की, वो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो पेपर थ्री था वर्ल्ड लिटरेचर, अभी वो कंटिन्यू है इसी स्लाइड में, पोएम्स और स्टोरीज हम डिस्कस करेंगे। पहले पहला जो पोएट है वो है मिखाइल लिमोंटोव, इसकी जो पोएम्स गुजरात के कोर्स में शामिल है वो है सेल, मेडिटेशन, द लीफ और वाई, ये चार पोएम्स हैं मिखाइल की। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, इसकी जो पोएम्स गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल की गई हैं वो हैं अ मोमेंट्स इंडलजेंस, बेनेडिक्शन, चेन ऑफ पर्ल्स, एट द लास्ट वॉच, ये दो पोएट्स थे। अब नेक्स्ट है शॉर्ट स्टोरीज हैं चंद राइटर्स की, वो पहला राइटर है फ्रांस कफका, इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल की गई हैं वो हैं द जजमेंट, द ड्रीम, मेटामॉर्फोसिस। दूसरा राइटर है गैब्रियल गार्शिया मार्केज, इसकी जो शॉर्ट स्टोरीज गुजरात के कोर्स में शामिल की गई हैं वो हैं बिटरनेस ऑफ थ्री स्लीप वॉकर्स, द हैंडसमेस्ट ड्राउंड मैन ऑफ द वर्ल्ड, एन ओल्ड मैन विद इनॉमस विंग्स। ये तीन शॉर्ट स्टोरीज हैं गैब्रियल की, जो कि इन्होंने वर्ल्ड लिटरेचर के पेपर में गुजरात यूनिवर्सिटी ने शामिल की हैं। अब नेक्स्ट आता है पेपर फोर लिटरेरी क्रिटिसिज्म का, जो कि तीनों यूनिवर्सिटीज में कॉमनली इंक्लूडेड है पेपर फोर लिटरेरी क्रिटिसिज्म का। अब इसमें एक बात याद रखें कि एक हमारा क्वेश्चन होगा पेपर में प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का, जिसमें हमको भी पीस ऑफ राइटिंग या पोएम कोई एक पोएम उसका एक कोई पार्ट गिवन होगा, उसका हमने क्रिटिकली एनालाइज करना, उसको क्रिटिकल इसकी क्रिटिक लिखनी है। वो क्वेश्चन हमारा सरगोधा यूनिवर्सिटी में कंपलसरी होगा, बाकी दोनों यूनिवर्सिटीज में ऑप्शन के तौर पे पेपर में क्वेश्चन लाजमी आएगा, लेकिन वो उसमें ऑप्शन होगी। हम वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं कोई बाकी क्वेश्चन में से, कोई अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन सरगोधा यूनिवर्सिटी में हमें लाजमी वो एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा, वो कंपलसरी होगा। उसके अलावा जो हमारे जो राइटर्स शामिल हैं इस पेपर में वो हैं पोएटिक्स एरिस्टोटल की राइटिंग है, गुजरात सरगोधा पंजाब तीनों के कोर्स में शामिल होगी, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट ये टी एस एलियट का जो एक राइटिंग है वो भी तीनों यूनिवर्सिटीज के कोर्स में शामिल है, जबकि टी एस एलियट के जो फर्दर एसेज हैं वो है मेटाफिजिकल पोएट्स मिल्टन वन मिल्टन टू, ये भी सिर्फ सरगोधा यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल होंगे, जबकि इसका जो प्रीवियस जो पहले इसका जो पीस ऑफ राइटिंग था वो तीनों यूनिवर्सिटीज में कॉमन था, ये तीन एसेज इसके सिर्फ सरगोधा में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री, फिलिप सिडनी का जो एक क्रिटिक है वो है सरगोधा और पंजाब यूनिवर्सिटीज के कोर्स में शामिल, फिर है क्रिटिकल प्रैक्टिस कैथरीन बेल्सी का, ये सरगोधा और पंजाब में शामिल है, द वेल रॉट अर्न ये क्लीन्थ ब्रुक्स का जो क्रिटिक है वो है सरगोधा यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल, फिर है मॉडर्न ट्रेजिडी ये ऐसे है रेमंड विलियम्स का पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में इंक्लूडेड है, द रिपब्लिक थ्योरी ऑफ इमिटेशन ये प्लेटो की है बुक द रिपब्लिक, उसमें सिर्फ थ्योरी ऑफ इमिटेशन शामिल की गई है गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एज अप एट द प्रेजेंट टाइम, मैथ्यू आर्नल्ड का ये ऐसे है ये गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल है, और बिगिनिंग थ्योरी है
इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी एंड कल्चरल थ्योरी पीटर बैरी का, ये गुजरात यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल की गई है। ये थे कुछ राइटर्स लिटरेरी क्रिटिसिज्म के, जबकि मैं दोबारा बता दूं कि जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का जो एक क्वेश्चन होगा वो आएगा तीनों यूनिवर्सिटीज के पेपर में एक एक क्वेश्चन, लेकिन सरगोधा यूनिवर्सिटी में वो कंपलसरी है, अगर वो अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप बाकी दोनों यूनिवर्सिटीज पंजाब और गुजरात की बात करें तो उसमें क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं भी करते तो आपके बाकी क्वेश्चन पूरे अगर आप अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आप उसके मार्क्स पूरे मिलेंगे। आप पेपर 5 की बात करें तो मैंने पहले आपको बता दिया कि गुजरात यूनिवर्सिटी में आपको सिर्फ जनरल लिंग्विस्टिक्स ही का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, आपके इसके अलावा कोई और ऑप्शन पेपर 5 में नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके गुजरात और पंजाब यूनिवर्सिटीज के जो कंटेंट्स हैं वो कॉमन है, लेकिन पेपर में पंजाब में ऑप्शन होगी, गुजरात में इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो लिंग्विस्टिक्स में जो कंटेंट्स हैं वो होंगे इंट्रोडक्शन, फिर फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड स्टाइलिस्टिक्स। ये 7 टॉपिक्स हैं जो कि गुजरात और पंजाब यूनिवर्सिटी के लिंग्विस्टिक्स के कोर्स में शामिल की गई हैं। अब इनकी फर्दर डिटेल या इन डिटेल जो स्टडी होगी वो अलग से अपने आपको करनी पड़ेगी, लेकिन मेजर टॉपिक्स यही होंगे इन दोनों यूनिवर्सिटीज में। अब नेक्स्ट सरगोधा यूनिवर्सिटी के कंटेंट्स की बात करें लिंग्विस्टिक्स के पेपर की, तो वो होंगे सबसे पहले है क्वेश्चन है व्हाट इज लैंग्वेज, नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, फिर ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज यूनिवर्सल ट्राइपॉड्स, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स एज अ साइंस, ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, सम मेजर लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स, लेवल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स या प्रैग्मेटिक्स, सोशियो लिंग्विस्टिक्स या साइको लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स और फिर लिंग्विस्टिक स्कूल्स ऑफ थॉट। ये 17 पॉइंट्स हैं सरगोधा यूनिवर्सिटी के कोर्स में शामिल, लेकिन अगर देखा जाए तो ये मेजर जो टॉपिक्स है गुजरात और पंजाब के, ये ऑलमोस्ट वही उन्हीं की डिटेल इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन उन्होंने क्योंकि सिलेबस में अलग से मेंशन किए हुए थे ये पॉइंट्स, मैंने इसलिए आपको बता दिया कि अगर आपने सरगोधा से करना है एमए इंग्लिश तो पार्ट 2 में आपको यही चंद एक टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेंगे तो सरगोधा यूनिवर्सिटी का लिंग्विस्टिक्स का पेपर आपका इंशाल्लाह पूरा अटेम्प्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेपर 5 ही में अगर आप सरगोधा या पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको लिंग्विस्टिक्स के अलावा बाकी भी चंद एक पेपर्स की ऑप्शन मिलेगी, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है एसे, अगर आप लिंग्विस्टिक्स नहीं रखना चाहते तो सरगोधा और पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्स में एसे भी शामिल किया गया है, आप एसे भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें आपको कोई एक एसे लिखना पड़ेगा, चंद एक आपको क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में, उसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको एसे लिखने के लिए दिया जाएगा, तो आपको एक ही एसे पूरे पेपर में अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सेकेंड, अगर आप ऐसे भी नहीं रखना चाहते तो नेक्स्ट पेपर है शॉर्ट स्टोरीज का, उसमें जो राइटर्स हैं उनकी जो स्टोरीज शामिल है वो है द मैन ऑफ द क्राउड, ये ई एलन पो की है, द मैन हु लिव्ड इन अ शेल, एंटन शिकव की, द डेड जेम्स जॉयस की, द जजमेंट फ्रांस खफका, द मैन हु लव्ड आयरलैंड डी एच लॉरेंस की, द वॉइस वी एस प्रिचिट, अ क्लीन वेल लाइटेड प्लेस हेमिंगवे की जो स्टोरी है। नेक्स्ट है द वुमन हु लव्ड इमेजिनेशन, ये एच ई बेट्स की है, द मम्मी नजीब महफूज की है। नेक्स्ट है वंस अपॉन अ टाइम, नदीनी गॉडिमर, एवरीथिंग दैट राइजेज मस्ट कन्वर्ज, ये है फ्लैमरी ओ कॉनर की स्टोरी। नेक्स्ट है स्टोरी अ डे, विलियम ट्रिवर की। नेक्स्ट होगी द डिवाइनर, ब्रायन फ्रियल की। सिविल पीस, चिनुआ एचबी की। ड्रीम हाइटी, ब्राथवाइट की। द फोर्ट, अली मजूरी। द नाइट वॉचमैन्स अकरेंस बुक, वी एस नेपोल नेपोल की। स्ट्रॉन्ग हॉर्स थी, एलिस वॉकर की। द वॉइस फ्रॉम द वॉल, एमी टेन राइटर है स्टोरी का। द प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन, ये है सारा सुलेरी की। माई सन द फनेटिक, हनीफ कुरैशी। वट द टैपस्टर सॉ, बेन ऑकरी। अब ये जो चंद एक मैंने स्टोरीज या उनके राइटर्स आपको बताए हैं ये दोनों यूनिवर्सिटीज के पेपर में कॉमन है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सरगोधा यूनिवर्सिटी ने
डोरिस लेसिंग की जो स्टोरी शामिल की है वो है अ सनराइज ऑन द वेल्ड। ये उन स्टोरीज के साथ ही इसको भी शामिल करना है आपने। अगर हम पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करें तो उन्होंने डोरिस लेसिंग की जो स्टोरी शामिल की है वो है अफ्रीकन शॉर्ट स्टोरी। तो यानी कि अब यहाँ पे आपके थोड़ा आके थोड़ा डिफरेंस होगा दोनों यूनिवर्सिटीज के शॉर्ट स्टोरीज के पेपर में, जबकि बाकी सारी स्टोरीज दोनों में कॉमनली इंक्लूडेड हैं। ये टोटल 23 स्टोरीज बनेंगी दोनों यूनिवर्सिटीज की। एक राइटर में आके डिफरेंस आएगा डोरिस लेसिंग में, वो आप देख लें किस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, अपना रेलिवेंट आप मार्क कर लें। इसी तरह नेक्स्ट हम उसी पेपर 5 ही की बात करें पंजाब और सरगोधा यूनिवर्सिटीज की, तो उन्होंने एक और ऑप्शन दिया है इंग्लिश लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड या लिटरेचर इन इंग्लिश अराउंड द ग्लोब। उसमें सबसे पहले ड्रामा, दो ड्रामा जिन्होंने शामिल किए हैं, हाउस ऑफ बर्नाडा एल्बा ये लॉरिया ने लिखा है, और ट्रांसलेशंस ये ब्रायन फ्रील का प्ले है। अब ये जो हमारा इस पेपर का जो कोर्स है कंटेंट्स है ये दोनों यूनिवर्सिटीज में कॉमनली इंक्लूडेड है। ड्रामा भी दोनों में, ये दोनों ड्रामाज इंक्लूडेड हैं पंजाब और सरगोधा यूनिवर्सिटीज में। नेक्स्ट अगर नॉवेल्स की बात करें तो वो है द रिवर बिटवीन ये नुगुजी ने लिखा, अ डे इन द लाइफ ऑफ इवैन डेनिसोविच ये लिखा है सोल्जिनस्टिन। ये दोनों नॉवेल्स हैं जो कि इस पेपर में शामिल किए गए हैं। अगर हम पोएट्स की बात करें पोएट्री के सेक्शन में सबसे पहले है तोफीक रफात, यह थिंकिंग ऑफ मोहिंजोदड़ो ये पोएम है, फिर द स्टोन चैट, और तीसरी पोएम है द लास्ट विजिट। ये तीन पोएम्स इस पोएट की शामिल की गई हैं। फिर पोएट है नेक्स्ट पोएट है दाऊद कमाल, इनकी जो पोएम्स हैं रिप्रोडक्शन, द स्ट्रीट ऑफ नाइटिंगेल, अ रिमोट बिगिनिंग, ये तीन पोएम्स हैं दाऊद कमाल की। फिर है मक्की कुरैशी पोएट, उसकी जो पोएम्स हैं एयर रेड, काइट, क्रिसमस, फिर लेटर टू माई सिस्टर, ये चार पोएम्स हैं मक्की कुरैशी की। नेक्स्ट है ए हाशमी, इसकी जो पोएम्स हैं एनकाउंटर विद द सायरन्स, ऑटमनल, ऑटमनल ऑटम से, बट वेयर इज द स्काई, ये तीन पोएम्स हैं। फिर है जुल्फिकार गोस, इनकी जो पोएम्स हैं अक्रॉस इंडिया, फ़रवरी 1952, द मिस्टेक ऑफ रूट, अ मेमोरी ऑफ एशिया, ये चार पोएम्स जुल्फिकार गोस की। नेक्स्ट अप जो पोएट है वह शिरले लिम, इसकी पोएम्स हैं मानसून, मानसून हिस्ट्री, मॉडर्न सीक्रेट्स, ये दो पोएम्स हैं। फिर है विक्रम सेठ, इसकी जो पोएम्स हैं हम्बल एडमिनिस्ट्रेटर्स और गार्डन, ये दो पोएम्स हो गई विक्रम की। नेक्स्ट जो पोएट है अनाथ अखमतोवा, ये है इसकी पोएम्स हैं, पोएम है प्रोलॉग एपिलॉग, ये प्रोलॉग एपिलॉग एक ही पोएम का नाम है। नेक्स्ट पोएट है डेरिक वॉलकॉट, इसकी जो पोएम है फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका, एक ही पोएम है फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका। नेक्स्ट पोएट है बेन ऑकरी, इसकी है अफ्रीकन एलिजी, एक ही पोएम। अब नेक्स्ट है एच ई बी, ये चिन्हवा एच ई बी जो है इसने पोएम्स भी लिखी हैं, जो इसकी पोएम्स इन्होंने शामिल की हैं कोर्स में वो है रेफ्यूजी मदर एंड चाइल्ड, मैंगो सीड, ये दो पोएम्स हैं। नेक्स्ट है नसीम एजिकेल, इसकी पोएम्स हैं नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, और सेकंड पोएम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा। लास्ट जो पोएट है जो कि इस पेपर में शामिल किया गया है वो है मोनिजा अलवी, उसकी जो पोएम है द कंट्री एट माई शोल्डर। तो ये सारे कंटेंट्स थे ऑप्शनल पेपर, लास्ट जो था इंग्लिश लिटरेचर अराउंड द वर्ल्ड, उसमें ये हमारे हमें सारे जो ड्रामास नॉवेल्स या पोएट्स कवर करने पड़ेंगे इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये था एमए इंग्लिश Part-2 का कोर्स। आप किसी भी यूनिवर्सिटी पंजाब गुजरात या सरगोधा से मास्टर्स कर रहे हैं तो Part-2 में आप यहाँ से सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। सो व्यूवर्स थैंक यू वेरी मच, ये था एमए इंग्लिश Part-2 का सिलेबस तीन यूनिवर्सिटीज का, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोधा और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। इन तीनों यूनिवर्सिटीज का मैंने Part-2 का सिलेबस उसके कंटेंट्स डिस्कस किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम जो दोस्त आपके जो जानने वाले एमए इंग्लिश Part-2 में हैं उनको लाजमी के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए कोर्स सिलेक्शन इजी हो, उनको पता हो कि हम अगर एमए इंग्लिश Part-2 में एडमिशन हमने लिया है, पेपर हमने देने हैं, तो हमने क्या क्या चीज़ें कवर करनी है Part-2 में। इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।